तो एक वीडियो पे व्यूज लाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? अगर इस वाल में आप लोगों से पूछूं तो आपका आंसर होगा टाइटल एंड थंबनेल। वैसे तो आपका आंसर सही है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीडियो किस टॉपिक पर बना रहे हो। बट द रीजन इज आप लोगों को ट्रेंडिंग टॉपिक मिलते ही नहीं है वीडियो बनाने के लिए। सो इन दिस वीडियो आई टेल यू हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स। लेकिन उससे पहले आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने 15,000 सब्सक्राइबर करा दिए। एंड सबसे लोग ईद मुबारक, आई नो गाइस वीडियो तो लेट होगी बिकॉज एग्जाम चल रहे हैं। और गाइस इस वीडियो का शॉर्ट जाता है ए प्लेज को, ए प्लेज ने फर्स्ट कमेंट किया था पिछली वीडियो में। सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। इस वीडियो में आपको सिंपल वेज बताने वाला हूँ जिससे आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड कर सकते हो। हमारा फर्स्ट मेथड है स्टीलिंग आइडियाज। फॉर एग्जांपल गाइस आपको टॉपिक कितना में नीच के अंदर जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, तो गाइस आप लोग उस वायरल टॉपिक या वायरल वीडियो से इंस्पायर होकर अपनी वीडियो बना सकते हो। तो जैसे कि आज इसके प्लेज की वाली वीडियो है ट्रेंडिंग JPEG 401 का वीडियो, तो गाइस हम लोग उसे इंस्पायर होकर बना सकते हैं बेस्ट ट्रेंडिंग एडिटिंग पैक 401 का वीडियो, बेस्ट VFX पैक 401 का वीडियो, बेस्ट साउंड इफेक्ट पैक 401 का वीडियो। तो गाइस आप लोगों ने देखा हमने 1 मिनट के अंदर ही अंदर 3 टॉपिक्स निकाल लिए वीडियो के लिए। एंड गाइस आप इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करके मैं स्टॉक को बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, बस आप लोग उसको नोट करके रख लो, बिकॉज इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल ज्यादा टाइम दे दिया। तो गाइस नोट कर चुका एक वीडियो है राइट वे टू यूज कम्युनिटी पोस्ट। तो गाइस आप लोग इस वीडियो से इंस्पायर होकर बना सकते हो ऑटो वायरल कम्युनिटी पोस्ट, या फिर बना सकते हो कम्युनिटी पोस्ट इज पार्ट ऑफ ग्रोथ। तो गाइस आपको टॉपिक तो मिल चुका है बनाने के लिए, बट हम इसको बनाएंगे कैसे भाई? वन से बनेगा और कैसे? चलो गाइस जो सपोर्ट साइड में इसके लिए काम आएगा हमारा सेकंड मेथड रिसर्चिंग। तो गाइस हमको RSK की वीडियो से 2 कंटेंट आइडिया मिल गए थे। तो गाइस आपको उन दोनों में से जो भी कंटेंट आइडिया ज्यादा अच्छा लगे आपको उसको YouTube पर सर्च करना है और देखो गाइस लोगों ने कैसी वीडियो बना रखी है उसके ऊपर। एंड गाइस दूसरों की वीडियो देख के खुद से कुछ यूनिक करके आप एक मस्ती वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अगर गाइस आप लोग वीडियो याद देख रहे हो इसका मतलब गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, कितने बार बोलना पड़ेगा। तो गाइस जो हमारा थर्ड मेथड है वो गाइस सर्चेबल कंटेंट। फॉर एग्जांपल गाइस जब आप लोग YouTube सर्च लिस्ट में आते हो, जब भी आप लोग कुछ टाइप करते हैं आगे खुद ऑटोमेटिक आ जाता है जो ट्रेंडिंग में होता है। तो गाइस जैसे कि मेरे और माइनक्राफ्ट कंटेंट चाहिए पर कैसे मैंने माइनक्राफ्ट लिखी होती है, मैं एडिटिंग लिख देता हूँ। एडिटिंग लिखूंगा तो काफी टाइप की एडिटिंग आने लगी, एडिटिंग पैक, एडिटिंग वीडियो, एडिटिंग ट्यूटोरियल, एडिटिंग या मतलब काफी सारी चीज आने लगी। एंड यहाँ पर आपको जितनी भी टाइटल दिख रही है मतलब ये सबसे ज्यादा सर्चेबल है गाइस। सो इन केस आपको कोई सा भी इनमें से पसंद आता है यहाँ पर आप लोग बना सकते हो उसमें वीडियो। तो गाइस मेरे को टाइटल थोड़ा सा यूनिक चाहिए, कॉन्टेंट यूनिक चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसके माइनक्राफ्ट एडिटिंग का इन भी लगा दिया। इसके देखो और ज्यादा टाइटल आने लगे, तो जैसे कि माइनक्राफ्ट एडिटिंग इन कैपकट, माइनक्राफ्ट एडिट विद सॉन्ग, माइनक्राफ्ट एडिटिंग इन मोबाइल। ओके गाइस बट मैं आपको एक और मस्त वाला तरीके दिखाता हूं, लाइक माइनक्राफ्ट के जो आर मतलब कोई भी लेटर लिखो उसका गाइस आपको खुद ही टाइटल सोने लगेंगे यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी मैं आर को हटा के यहाँ पर डी लिखता हूँ, यहाँ पर देखो गाइस काफी ज्यादा टाइटल दोबारा सोने का, माइनक्राफ्ट डाउनलोड, माइनक्राफ्ट डेडलीस एंड काफी ज्यादा। एंड ऐसे कैसे मैंने डी को हटा के मैंने ओके, तो यहाँ पर देखो और ज्यादा टाइटल आने लगे गाइस, मतलब जो ट्रेंडिंग में चलने का यहाँ पर दिखने लग रहे हैं। तो गाइस आप लोग कुछ इस टाइप से सर्चेबल कंटेंट फाइंड कर सकते हो इजीली, एंड काफी अच्छे अच्छे कंटेंट मिल भी जाते हैं, उनमें आप लोग रिसर्च करोगे और अच्छी वीडियो बन जाएगी फिर। तो कैसे मैं आपको बता रहा हूं कंटेंट में कैसे फाइंड करता हूं। आई थिंक सो गाइस आपको मेथड थोड़ा अजीब लग सकता है। जो फर्स्ट तरीका है जैसे मैं कंटेंट दो वो गाइस जब मैं YouTube पर स्क्रॉल करता रहता हूं, स्क्रॉल करते करते जो टॉपिक सबसे ज्यादा आता है सर्च लिस्ट में समझ जाता है ट्रेंडिंग में चल रहा है। लाइक गाइस वही टॉपिक की बार बार वीडियो रिकमेंड हो रही है, इसका मतलब गाइस जो टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है तभी गाइस बार बार रिकमेंड हो रहा है। तो गाइस सेकंड तरीका है मैं छोटे छोटे क्रिएटर्स की वीडियो देखता रहता हूं, लगे जैसे अगर किसी छोटे क्रिएटर की वीडियो पर अच्छी व्यूज आ गए इसका मतलब वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसके कम सब्सक्राइबर उसके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब बंदों को उस वीडियो की नीड है तभी गाइस वो वीडियो देख रहे हो उसकी। लाइक किसी बंदे के 1000 सब्सक्राइबर है उसकी वीडियो पर 3-4-5 व्यूज आ रहे हैं इसका मतलब वो ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो मैंने काफी सारे चैनल सब्सक्राइब करके छोटे छोटे क्रिएटर्स उनको मैं देखता भी रहता हूं, मेरे काफी सब्सक्राइबर्स भी हैं उनमें से। तो एंड जो मेरा थर्ड मेथड है गाइस मैं अपने सारे दोस्तों से बात करते रहता हूँ, पूछते रहता हूँ क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोग अपने दोस्तों से पूछ सकते हो लाइक किस चीज की ज्यादा नीड हो रही है इस टाइम में। मेरे दोस्त RSK प्लेज ने मेरे को बहुत सारे कंटेंट सजेस्ट किए हैं जिनमें मेरी वीडियो बनाने अच्छे व्यूज भी आए थे। उसके बाद बोनस टिप, ट्रेंडिंग टॉपिक डज नॉट मीन कि आपके अच्छी व्यूज आएंगी। वैसे कुछ बंदों के डेड चैनल होते हैं ना, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक भी डाल दोगे तब भी व्यूज नहीं आते बिकॉज तो उनका चैनल स्ट्रक होता है, फ्रीज होता है। इनकी सबकी एडिटिंग स्किल काफी अच्छी है, वॉइस ओवर अच्छी है, थंबनेल स्किल काफी गुड है। तो आप लोग न्यू चैनल पर ट्राई करो, अगर आपके ओल्ड चैनल पर व्यूज नहीं आते तो आपके डेफिनेटली न्यू चैनल पर व्यूज पक्का आएंगे। आई डोंट नो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, होप सो गाइस आप लोग वीडियो अच्छी लगी क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं उसके वजह से मैं ज्यादा अच्छी वीडियो नहीं बना पा रहा, एग्जाम का तो बस वीडियो आने वाली है। एंड गाइस मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। और हाँ गाइस अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक दे रहे हो उसका मतलब आप लोग मेरे को सच्ची में सपोर्ट करते हो, तो कमेंट में गाइस ऑरेंज हार्ट स्पैम कर देना, मैं आपको मस्त रिप्लाई दूंगा।